वीडियो देखने से पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नजर जो बदलेगी नजारे बदल जाएंगे, प्यार पनपेगा तो दिल से दिल मिल जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुजा और आपका स्वागत करती हूं बहुत ही यूनिक शो में जिसका नाम है लव विद एस्ट्रोलॉजी। हमारे साथ होंगे द फेमस लव एनालिस्ट एंड रिलेशनशिप एक्सपर्ट आचार्य सतीश जी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद आपका। चाहते हैं कि हमारे जो नेक्स्ट कॉलर कॉल कर रहे हैं उनको भी एक आपके माध्यम से साय ऑफ रिलीफ मिल जाए। एकदम स्वागत है। हेलो। हेलो, वेलकम टू लव विद एस्ट्रोलॉजी। आपका नाम? वेलकम, मेरा नाम सरिता मलिका जी। सरिता? हाँ जी। हाँ जी सरिता जी, कहाँ से बोल रही हैं आप? मैं नजरगढ़, न्यू दिल्ली। अच्छा, आप प्लीज बात करें आचार्य जी से। नमस्कार सरिता जी। आचार्य जी नमस्कार, कैसी हैं आप? बढ़िया जी। बताइए क्या मदद करें हम आपकी? सर मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना है। आपकी बिटिया के बारे में? जी। स्वागत है, बताएं उसका डेट ऑफ बर्थ। बताइए उसका डेट ऑफ बर्थ है 26/11/2001। उसका टाइम है रात का 8:06 का। कहाँ जन्म हुआ? और जन्म है सोनीपत, हरियाणा। इनका लग्नेश खराब है भाई, इनके जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव। क्या जानना चाहती हैं? ये सर अभी तो 10th में पढ़ रही है और पढ़ाई में थोड़ा सही नहीं चल रही। नहीं, थोड़ा सा आपको इनके ऊपर, आपका बच्चा है इसलिए बहुत कुछ तो नहीं कहूँगा, आप समझ जाएंगे, क्योंकि माँ बाप से ज्यादा बच्चों को कोई नहीं जानता। आपको थोड़ा सा इनके पर ध्यान भी रखना पड़ेगा क्योंकि इसका अपना जो मन है वो थोड़ा चंचल है। अगर ये सच में पढ़ाई करने की कोशिश करे और ध्यान दे और ये पूरा का पूरा अपना समय दे तो ये लड़की बहुत अच्छा निकल सकती है। इनका ब्रेन बहुत बढ़िया है, इनका विवेक बहुत अच्छा है, इनकी कैप्चर करने की क्षमता बहुत बढ़िया है, लेकिन वो सारी की सारी चीज़ें सिक्वेंस में रख नहीं पा रहे हैं। कोशिश करिए कि ये थोड़ा कुछ पूजा पाठ भी करें, अगर ये सुबह दिया भी जला लेते हैं अपने हाथ से तो भी इनके लिए बहुत बढ़िया होगा। जहाँ ये सोते हैं वहाँ इनके बेड के गद्दे के नीचे मोर पंख रखिए, इनकी अपनी कलाई में नीले कलर का धागा इनकी हाइट के बराबर नाप करके बंधवा दीजिए, ये करेंगे आप शनिवार के दिन। और कोशिश करिएगा 2 से 2.5 महीने में चेंज भी कर दिया करें। केसर का तिलक लगवाइए इनको और इनके खाने में मिर्च को ख़त्म करके थोड़ा सा किसी भी रूप में केसर दें, दूध में, खीर में, मीठे में, जैसे भी ये खा सकें थोड़ा सा इनको केसर देंगे, बृहस्पति स्ट्रांग हो जाएगा इनका। और इनके राइट हैंड में एक थमरिंग धारण करवा दीजिए, संभव हो सके तो सरस्वती जी की छोटी मोटी कोई पूजा करवा लें आसपास किसी पुजारी जी को बुला के। ये बच्ची बहुत स्ट्रांग होगी, बहुत बेहतर हो सकती है। आज ये एक ऐसे चौराहे पर है जहाँ से एक रास्ता बहुत उन्नति की ओर जाता है और 3 रास्ते कन्फ्यूजन वाले हैं, बहुत खराब दिशा में लेकर के जाते हैं। वो सब चीज़ें बोलने और बताने की भी नहीं है, तो मुझे लगता है कि आप संभल सकती हैं। आप बौद्धिक क्षमता वाली स्त्री हैं, आप इस बात को समझेंगी और सही तरीके से उपचार करके अपने बच्चे को सही दिशा देंगी। बिल्कुल जी सर, ठीक है जी। धन्यवाद। धन्यवाद कॉल करने के लिए, थैंक यू। नजारे बदल जाएंगे, प्यार पनपेगा तो दिल से दिल मिल जाए।